Hi everyone, welcome to Amazing Biology. तो आज हम देखेंगे difference between mitosis and meiosis cell division. Last two video में हमने देखा था mitosis और meiosis में क्या क्या होता है, कैसे stage cell cycle चलती है. तो अब हम देखेंगे उस दोनों में से difference क्या होता है. Mitosis में reproduction होता है asexual type से और meiosis में होता है sexual type से. Occurs in मतलब mitosis होती है सभी ऑर्गन्स में और मियोसिस होते हैं यूकैरियोट्स में, एनिमल्स एंड प्लांट बॉडी में मियोसिस होती है. क्रॉसिंग ओवर इसमें ऑप्शन होती है, ये प्रेजेंट होता है. क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या है कि इसमें माइटोसिस में जब इस क्रोमोसोम का नंबर 2n होगा तो उसके डॉटर सेल का नंबर भी 2n ही होगा, लेकिन मियोसिस में इसका क्रोमोसोम का नंबर 2n होगा तो आगे के सेल्स में n नंबर ही क्रोमोसोम होंगे. मतलब मदर सेल n 2n नंबर होगी और डॉटर सेल n नंबर होंगे मियोसिस में. और माइटोसिस में मदर सेल 2n नंबर होगी तो डॉटर सेल्स भी 2n नंबर्स ही होंगे. माइटोसिस का फंक्शन होता है टिश्यू एंड ऑर्गन्स में सेल बनाना और मियोसिस का फंक्शन होता है जर्म सेल एंड गैमेट सेल्स बनाना. नंबर ऑफ डिवीजन, माइटोसिस में एक ही सेल साइकिल होती है और मियोसिस में दो सेल साइकिल होती है. इसमें 2n नंबर से आगे दो 2n नंबर बनती है, एक मदर सेल से दो मदर सेल बनती है, लेकिन मियोसिस में एक मदर सेल से चार डॉटर सेल्स बनती है. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, माइटोसिस में 2n नंबर क्रोमोसोम आगे दो आइडेंटिकल 2n नंबर क्रोमोसोम बनाती है, लेकिन मियोसिस में 2n नंबर क्रोमोसोम आगे चार n नंबर क्रोमोसोम बनाती है. इसमें दो स्टेज आती है, माइटोसिस वन और सॉरी मियोसिस वन और मियोसिस टू. इसके दौरान ये 2n नंबर से n नंबर बनते हैं. ये तो मैंने बेसिकली आपको बताया, लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस आपको पता होगा कि इसके स्टेजेस दो है और इसके हर एक स्टेज का नाम अलग है. कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है दोनों के डिफरेंस, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है ये आपको तो पता है. तो ये मियोसिस अलग है, माइटोसिस अलग है. मियोसिस का नंबर सिर्फ n ही क्यों है, ये 2n नंबर होते हुए रिडक्शन डिवीजन क्यों करता है, मतलब 2n से n नंबर कम हो रहा है इसका नंबर, ऐसा क्यों हो रहा है. तो अब ये हम थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि आपको आसानी से पता चल जाएगा. मान लीजिए n नंबर्स फ्रॉम स्पर्म है, क्योंकि ये तो गैमेट बनाती है मियोसिस में, और n नंबर एग्स है. इन दोनों से मिलकर आगे जायगोट बनेगा, वो जायगोट होगा इन n प्लस n नंबर से 2n नंबर का जायगोट होगा. इससे ऑर्गन्स बनेंगे और ऑर्गेनाइज बनेंगे. ये मियोसिस के लिए 2n नंबर मिलकर 2n नंबर बनता है और उससे ऑर्गेनाइज बनते हैं. ये आपको बेसिक डिफरेंस. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल.